वैसे तो इस्लामी तारीख वाकियातों से भरी पड़ी है। अगर आप इस्लाम का मुताला करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें नजर आएंगी जिनके बारे में आपने कभी सुना भी ना होगा। हर साल दुनिया भर में 22 लाख से भी अधिक मुसलमान हज के लिए मक्का रवाना होते हैं। आपको हज के बारे में बहुत से मसाइल भी पता होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया था, तो शायद आप इसका जवाब ना दे पाए। अरब के शहर मक्का में काबा का निर्माण तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुका था, लेकिन मुख्तलिफ दौर के साथ जब उसकी निशानियां मिट गई, तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उस घर को फिर से तामीर करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्मों पर अमल करते हुए काबा को फिर से तामीर किया। अल्लाह ताला ने काबा को इस शर्त के साथ इब्राहिम के हवाले किया कि वे इस घर को रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखेंगे। काबे की तामीर के बाद अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो सारे लोगों में हज का ऐलान कर दें। उलमाओं के मुताबिक इस ऐलान के बाद से ही हज की शुरुआत हुई और पहला हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया, क्योंकि नबी खुदा के हुक्म पर सबसे पहले अमल किया करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हज की दावत देने का हुक्म मिला तो उन्होंने सवाल किया कि ए मेरे पालने वाले, यहाँ पर कौन है जो मेरी आवाज को सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक पहुँचाना मेरा काम। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर खड़े होकर हज की दावत दी, तो अल्लाह ने वो आवाज इतनी बुलंद कर दी कि इसे दुनिया की हर इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पहाड़ों और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो अल्लाह के इस पाक घर का दीदार कर सके। अल्लाह हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहकर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीन की बातें सुनकर आगे पहुँचाने वाला जन्नती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबाना ना भूलें।